हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू रुमैसा फूड प्लाजा। आज हम बनाएंगे मसालेदार भिंडी की सब्जी। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। आधा किलो भिंडी लिए हमने, जिसे हमने वॉश कर लिया है, अच्छे से सुखा लिया है और इसे बीच में से ऐसे कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर, 3 मीडियम साइज की प्याज जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सौंफ और धनिए का पाउडर। ये आप ज़रूर ऐड कीजिए, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें भिंडी ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पर सारी भिंडी ऐड कर ली है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, राई, सौंफ और धनिए का पाउडर, कलौंजी, नमक और हल्दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से लीड ढककर पका लेंगे। जब तक भिंडी पक रही है, हम बेसन घोल लेंगे थोड़े से पानी में। बेसन ऐड कर लेंगे कटोरी में और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। याद रखना है, इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। हमने बेसन को घोल लिया है, ये देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है। आप 10 मिनट हो चुके हैं, भिंडी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें बेसन ऐड कर लेंगे जो हमने घोल लिया था अच्छे से पानी में। कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो होममेड मसाले बताए हैं वो आप बना लीजिए, ताकि खाने बनाने में आपको आसानी हो जाए और आप कोई भी रेसिपी क्विकली बना लें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, तो आइए इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बहुत मसालेदार, टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार हो जाती है। आप लोग इसे रोटी, पराठा, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग भी प्लीज इस सब्जी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। बाय।